मन्नत अरमा ये मेरी जान लुटा दो तुझ पे जाना आंधी आए लाख बड़े तूफान ये चाहत होगी ना कम सौ बातों की बात हो तेरा साथ कभी ना छोड़ के जाना बस तेरा दीदार हो तेरा प्यार तुझी को सब कुछ माना तेरिया हवावां विच ठंडिया ने छावां विच रहना सदा ओ हो हो तेरे बिना दिल ना लगे तेरे बिना दिल ना लगे दिल दीवाना लगे तेरे बिना दिल ना लगे कमाल है जब तुम्हें खुद को यूं आजमाऊंगा उसके जलसे में मैं खुद कुर्सियां लगाऊंगा तेरे टनियोर के गम को मैं यूं भुलाऊंगा साथ रैली के मैं डी चौक चला जाऊंगा महंगाई ने दोबर कर दिया है जीना जश्न आजादी चलेगा पूरा महीना हाथ में दिल दारा गल पक्की हो गई तेनू देख के मैं हक्की बक्की हो गई चल रहे हैं अंदाज पर मेरे दिल की है आवाज अब तशरीफ लाएंगे नुमान एजाज अस्सलाम वालेकुम मेरी और मेरी मजाकराती टीम की तरफ से आप सब लोगों को खुशामदीद मजाकरात में गोरे ने खूब कहा है इग्नोरेंस इज अ ब्लेस यानी कि एक ब्लेसिंग है इग्नोर कर देना दरगुजर कर देना हमारे में जो टॉलरेंस लेवल है वो दिन ब दिन घटता चला जा रहा है मैं आए दिन ठीक है गर्मी की शिद्दत है लोड शेडिंग है जो हमारे क्राइसिस है वो तो क्राइसिस है ही लेकिन आप अपने मिजाज को तो ठंडा रखें बर्दाश्त नहीं है बर्दाश्त नहीं हर कोई एक दूसरे के गिरेबान की तरफ लपकता है पता नहीं क्यों चिड़ी बिचारी की करे तो ठंडा पानी पी मरे नुमान भाई बर्दाश्त नहीं है हुण मैं इन्हां नूं कहना तुहाडा मूंह इंज जिवें हांडी थले लगी हुंदी इन्हां ने अगों तीन गल्लां मैनूं कहणियां बर्दाश्त नहीं करनी कि चल भी कह नहीं यार मैनूं एक बंदे ने कहा तू बहुत खूबसूरत है मैं बर्दाश्त कर गया मैं चलो नुमान साहब से ज्यादा अगर कोई दरगुजर करता है तो वो मैं हूं सर ओके जी वो मैं इनसे बात करने से दरगुजर करता हूं नुमान भाई बड़ी बड़ी लड़ाइयों कत्लो गारत के पीछे छोटी सी बात होती है अगर जरा सा वो दरगुजर कर ले तो बात खत्म हो जाती यार दरबार में एक आदमी से मुलाकात हुई हमने कहा भाई आपका क्या जुर्म था जो आपको 25 साल सजा हुई हुई है उसने कहा बस एक लम्हा मैंने उंगली ऐसे की थी बस ना करता तो कुछ भी नहीं यानी कि हम कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचते नहीं सोचते नहीं क्योंकि सोचने पे मैं सोचन दिया है तो मैंने पुलिस ने मारिया मैं सोचन दिया है पुलिस वाले कहते तू हम दिल से गाला कटन दे बिल्कुल ठीक है भाई कई दफा आपकी खामोशी जो है वो अगले कुछ कुछ चपेट की तरह लगती है जाकर अल्लाह और बंदे वैसे भी बहुत गर्मी खाने ने पीछे स्कूटर मार के बजाय सॉरी करने उन्हें कहने देने चलो उठ खलो तेन बंब बज गया तेन उठाना नहीं आता हूं तुम्हारी चाची मैं कहती तू बहुत खूबसूरत है साड़ा वक्त बड़ा अच्छा गुजरा मैं चुप कर गया एक बात मैं जरूर कहूंगा अपने नाजरीन को कि हम ये जो बातें मजाक में कर रहे होते हैं इनको खुदारा 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 बैठ के थोड़ी देर के लिए सोचिए जरूर क्योंकि इनमें बहुत बड़ा सबक होता है कई मरतबा हम बहुत बारीक बातें और बहुत बड़ी बातें मजाक में कह जाते हैं और लोग सिर्फ हंस के आगे निकल जाते हैं उस पर कान नहीं धरते उसके बारे में सोचते नहीं जब आप सोचेंगे इन सब की बातें और जो गुफ्तगू हम लोग कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलेगा उसमें से हमारी जो पहली सियासतदान मेहमान शख्सियत इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियोज में मौजूद है जिस टॉक शो में जाते हैं जो स्ट्रोके मारते हैं जो पलंटियां मारते हैं जो दूसरी टीम के खिलाड़ी होते हैं उनके छक्के छुड़ा देते हैं यानी सियासत के बूम बूम है बूम बूम है मेंबर नेशनल असेंबली है फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब तलाल चौधरी साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं एक वर्सटाइल अदाकार मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मौका मिला उनके साथ काम करने का बहुत सिखाया बहुत समझदार हैं बहुत वर्सटाइल हैं जो जो किरदार वो कर लेते हैं वो फिर लोगों को हमेशा याद रहता है वन एंड ओनली बहुत सारी तालियों में वेलकम कीजिएगा जनाब महमूद असलम साहब
तो सर आपका तो इत्तफाक मेरे ख्याल में पहली मर्तबा हो रहा है मेरे इन चैंपियंस के सामने बैठने का। जी बिल्ला, तो सिर्फ इन्हें देखा करते थे कभी स्टेज पे कभी टीवी पे, तो आज बिल्कुल मुलाकात हो रही है। तो मुज़ाकरात का कोई एपिसोड जो नजर से गुजरा हो? काफी सारे थे। कौन कौन से, किस किसका आपने ज्यादा इंजॉय किया? गवर्नर साहब का, वो तो हमने भी बड़ा इंजॉय किया। गवर्नर सरवर साहब से मैंने कहा जी आप टोबा टेक सिंह में पैदा हुए, तो कहने लगे भाई मैं तो टोबा टेक सिंह च पैदा होया, आ जरा अमान उल्ला इटा दे पठे ते पैदा होया। और असि फिर कुछ कह नहीं सके क्योंकि वह सच्चे सन। ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਜੋਗਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਨੀ, ਇੰਜ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਥੱਲਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਵੀਰ ਮਾਇਕਾ ਗੋਲਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੂਪਣ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੰਘਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਰ ਕਦੀ ਹੋਆ ਕੋਈ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਪੱਪੂ ਜੀ ਲੋਕ ਫਿਕਰੇ ਕਸ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਆਡੀਅੰਸ ਮੇ ਸੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਗਤ ਮਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂ और क्या आप अगला स्टेप वो भूल ही गए स्टेटमेंट के क्या देने या, या आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया हो। उसे जी राणा सनाउल्ला साहब ने वेले कह देंगे सर, राणा साहब कहते मैं अपना हलका बढ़ाना चाहता हूँ। क्या हलका की बधाना वीर, तू तो मुछा बधाई जाना। हुआ चल सब ऐसा हुआ नहीं, लोग प्यार भी करते हैं, बाकी बड़े अच्छे एक्सपीरियंस भी होते रहते हैं। एक रात मैंने कोई 2:45 बजे फोन आया, तो मैंने फोन अटेंड किया, तो मैंने पूछा, मैंने कहा हेलो, तो मैंने पूछता जी मेरा नाम लेके बोल रहे हैं, मैं जी बोल रहा है, कहना बस चेक ही करना सी फोन तुम चुक दे भी जे। वेलकम टू मुज़ाकरात जी। थैंक यू वेरी मच सर, आप तो गालिबन वाकिफ हैं इन सब लोगों से। बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं सब वाकिफ नहीं जी, हमारे तो जम्पल जम्पल उस्ताद हैं ये। एक आपके प्रोग्राम के हवाले से नुमान साहब, अमानुल्लाह साहब को मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि हमारा थिएटर जो है, ये जो इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हैं सर, ये अमानुल्लाह साहब की वजह से। अशफाक अहमद साहब ने अमान साहब के हवाले से कहा कि एक अमानुल्लाह है जो पूरी दुनिया में एक वाहिद सोशियोलॉजिस्ट है। तो अगर अशफाक साहब सरकार को इतना मानते थे तो आप और मैं तो सर फैसलाबाद से ताल्लुक है, और फैसलाबाद का मजा और फैसलाबाद की जुगत और हंसी मजाक वाला शहर है, हर बंदा प्यारी प्यारी बात करता है, अजीब गरीब खिजी भी बात करता है, मजेदार गल्ला। तो ये क्या अपने इलाके का इन्फ्लुएंस है जो बहुत आप पे हावी हुआ कि आप 250 से ज्यादा टॉक शोज कर चुके हैं, और जब आप उसमें बैठ के गुफ्तगू शुरू करते हैं तो आप फिर पकड़ा ही नहीं देते और सामने वाले के दबड़ 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 शुरू हो जाते हैं, व्हाट इज दिस? देखिए जी, अल्लाह का शुक्र है कि लोगों के बाद इस पार्टी ने एमएनए बनाया, तो कोशिश करते हैं कि उस पार्टी की हक्के नुमाइंदगी जो अदा की जा सके, क्योंकि मैं समझता हूं कि भी मेरा ये फर्ज है कि सच बोलूं और वो बात करूं जिसको मैं अकेले में बैठकर खुद भी जस्टिफाई कर सकूं। चलो सर, इतनी पक्की पैंट पाई तुम घर नहीं जाते? फटती है ना, नमी पाते ने ना धोते ने, चलो कम से कम फट जाती ना, स्टिकर ला लेने उत्ते लिखे आई लव यू। महमूद साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर अदाकार हैं, और मैं कि कायदे आलम दे अगे टुरना हुंदा सी, इन्हें भी उन्हां दे पिछे पार्टीशन का कोई ऐसा वाकया जो हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं? पार्टीशन का यही वाकया कि आपकी वालदा ने आपको गोद में उठाया हुआ था, यार पीछे पीछे चलती आ रही है। अच्छा, पहले स्कूल जाके कहना मैम नदीम कासमी का ड्राइवर रहे हैं, मेरी शक्ल भी उन्होंने मिलने लग पी। अच्छा, यहो जे बंदे दी ईद वाले दिन ना जुत्ती एक पैर गुआचदा दूसरा, यार चली खान साहब दीआं पुरानीआं तस्वीरां वेखीए ना, यहो जे बंदे पिछे खलोते हैं। मेहमानों के साथ बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, भीख शोखियों से किया जाए इज्तनाब, जिंदगी हमारी की है जिन्होंने अजाब, उनका तो हुआ नहीं कभी एहतसाब, पाया जा रहा है ऐवानों में इज्तराब, सच्ची मुच्ची आना जाए कहीं इनकलाब। बाकी ये सही बात है कि अच्छा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तमीज कर में चपेड़ में आनी तेरे मुंह से बात क्यों नहीं।
जी वेलकम बैक टू मुज़ाकिरात। कितने साल हो गए इस फील्ड में? नुमान साहब, सिलसिला कुछ हुआ है कि इज्जत नहीं करता आपा जी की इज्जत कर दी, नवाब नहीं चलते पुराने जमाने से, हम वहां नहीं जाएंगे, लीला हमारी तबीयत ना साज है, लीला हम वहां पहुंच रहे हैं। आप ही हम एक दूसरे को कहते रहे। हाँ जी। अच्छा, आप बात कर रहे थे नुमान साहब पहली दफा मुस्लिम लीग बनी तो बताएं बताएं यार, ये जो चार तोते आपने वहाँ पे बिठाई हुई है भैया, मान भाई आपकी इज्जत कर रहे हैं, वरना वो आपको कहना चाहते हैं कि आप मदारी हैं और हम बंदर हैं, ये कहना चाहते हैं। आप समझ गए माशाल्लाह, समझ ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ठाकुर, सारी जिंदगी आपने इतना पैसा कमाया यार, चार पैसे अपने नाक पे लगा लेते ना तो आज इसके साथ ना बैठे होते। पड़ा नाके जिन्हों लोग कहें भाई नक नक पानी आ गया, पड़ा केड़ा नाके जिन्हों लोग नहीं कहते ओए मुंडे मैं तेरे को नक नक तंग, नाक जिन्हों मैयत कहते हो नक ना आया। मैं मुझे पहले कितने साल हो गए इस फील्ड में? मुझे जी तकरीबन काम करते कोई 37 ईयर्स हो गए। इनकलाब, कैन यू डिफाइन इट प्लीज? इनकलाब तो किसी करेक्टर से आता है, सबसे पहले लीडर का करेक्टर, और उसके बाद दुनिया में कभी इनकलाब जंग की सूरत हाल में किसी मुल्क में नहीं आया, ये तारीख है। पाकिस्तान तो एक जंग से गुजर रहा है, इनकलाब नहीं हो सकता, अफरा तफरी हो सकती है, और पाकिस्तान को पाकिस्तानी इनकलाब के लिए जो इनकलाब लाना चाहते हैं वो पहले पाकिस्तानी बने फिर इनकलाब की बात करें। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं माशाल्लाह, ये लोग बाहर जाते हैं, यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, जब आप लोग वहां जाके वहां की कंट्रीज को देखते हैं, वहां के पॉलिसीज को देखते हैं, उनके कानून को देखते हैं, तो क्या हमारे लीडरान का दिल नहीं चाहता कि हमारा मुल्क, हमारी कौम, हम भी इस लेवल के हों और इनको ये सब कुछ प्रोवाइड किया जाए जो उन सबको उनकी हुकूमतें प्रोवाइड कर रही हैं? बिल्कुल जी, ये लेकिन इससे सबसे पहले वो अपने आप पे इम्प्लीमेंट करना। हम मेरिट तो चाहते हैं लेकिन अपने लिए नहीं, हम चेंज चाहते हैं लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। महमूद भाई ने अच्छी बात की कि उसी तरह के मुल्क के हालात इधर पैदा किए जाए जैसे बाहर के मुल्कों में। भाई जान इधर ऐसा करके ना फिर हुकूमत नु बचता कुछ नहीं। मैं वही कह रहा हूं, इतने सारे किरदार करने के बाद महमूद साहब, कोई ऐसा किरदार जो आवाम को अभी तक याद हो और जब आप पब्लिक में जाते हो तो लोग पकड़ पकड़ के कहते हो कि महमूद साहब वो वाला थोड़ा या कोई एक्शन करके दिखा दो, वो वाले डायलॉग बोल के दिखा दो। नुमान साहब, उसमें यह है कि दिन मेरा एक सीरियल था जिसमें हमने सरदार दिलावर का रोल किया था। हाँ। और उसको अयूब खावर साहब ने डायरेक्ट किया था, तो वो बहुत यादगार सीरियल थी मेरी, वन ऑफ। एक उसके बाद था जंजालपुरा, उसके बाद वो कभी दिन सारे हो तो मौत के कुएं पर लगा लेते हैं। सर, लेकिन मैं उसकी एक बात बताऊं आपको, बाकी ये सही बात है कि लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, तमीज कर, में चपेड़ में आनी तेरी मुंह से बात नहीं। चुप करके बैठी हुई तेरी शक्ल देख रही है, मैंने पता छोटी भैन साडिया गाना औरतों ने हथ पाइया मार भी दे रहे। एक ऐसा किरदार था जो आप समझते हैं लोगों के जेनों में रह गया अभी। तो उसके बाद अब एक मैं जो महमूद साहब का रोल कर रहा हूँ एक सिटकॉम में, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वो मेरी जितनी 35-36 इयर्स का जो भी, और तकरीबन चार साढ़े चार साल हो गए हैं उसको जी, ऑलमोस्ट फाइव ईयर्स पांचवा साल। तो आपको कहते ना कि कुछ अरसे बाद मियां बीवी की भी शक्लें बिल्कुल एक जैसी, तो आपको लगता नहीं कि आप चारों की शक्लें एक जैसी हो गई हैं? नहीं, उम्र नहीं मानती है। नबील साहब, आयशा उमर साहिबा की, हिना दिलपजीर साहिबा की, और आपकी शक्ल नबील से मिलनी शुरू हो गई है। हाँ जी, आपको आप अपनी आंखें टेस्ट करवाते। यहां वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जी दीजिए, न महफिल में होगी न मेले में होगी, सियासत की बातें अकेले में होगी, कि तुम चाहते हो जो तब्दीलियां वो न रैली में होगी न रेले में होगी, किसी को पता भी चलेगा न डीजे, जो बातें गुरु और चेले में होगी।
कोई शादी की फिल्म में काम किया हो। जो एक शादी की है वो भी कहती है सियासत छोड़ लो, शादियां दो और कर लो। जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब वक्त हुआ है रोड प्रिंस के विनर का नाम हम अनाउंस करें। उनका नाम है अमरीना अमीर और उनका ताल्लुक है सरगोधा से। बहुत सारी तालियों में आइए जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी रोड प्रिंस की मोटरसाइकिल। थैंक यू वेरी मच। आप क्या करती हैं? मैं ब्यूटिशियन हूँ। अच्छा ब्यूटिशियन है। माशाल्लाह। इन पे कितना कितने टन लगता है गन्ने का? साड़ियां कौना खोल के कोई अच्छा फ्रेश बन सकता है चारों चो एक? मैं तो नहीं होगी, मुझे डॉक्टर भी जवाब दे। तो हमने सवाल पूछा था कि वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन जारी है पाकिस्तान आर्मी का, उसका क्या नाम है? जी ज़र्बे असर। ज़र्बे असर, वेरी गुड। वेलकम। उम्मीद थी आपको क्या आप मोटरसाइकिल जीत जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरी सिस्टर अमेरिका में है, वो आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखती है और उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपका प्रोग्राम देखूं। हाँ। और फिर मैंने देखना शुरू किया तो मुझे ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि क्वेश्चन का आंसर दे तो दो। कैमरे तो में देख के अपनी सिस्टर से बोलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच, आपने मुझे अच्छा सजेशन दिया और मैंने मेरे बेटे को बाइक मिल गई। अरे बहुत सारी तालियां बजाएं मेरी बहन के लिए और मैं अपने छोटे भाई को। थैंक यू सो मच दुनिया चैनल वाले, थैंक यू सो मच। स्टार्ट कीजिए और वन किक पे स्टार्ट होने वाली रोड प्रिंस की खूबसूरत मोटरसाइकिल। बहुत सारी तालियां अमरीना अमीर साहिबा के लिए जी। अमरीना से कोई दिलचस्पी है? टाइम मिलता है ड्रामे शो में। आपके ड्रामे देखकर तो बहुत लड़के खराब हुए हैं। हर जगह हमारी नाक कटाई। आपने साहब ने कहा कि मिमिक्री बड़ी अच्छी कर लेते हैं। करता था किसी जमाने। तो अगर हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि कोई ऐसे दो चार लोग जिनको आप बड़ा एंजॉय करके मिमिक करते हो। वाह हमारे पाकिस्तान टेलीविजन का एक बहुत बड़ा नाम है यावर हयात साहब, अल्लाह की जिंदगी हो उनको सिर तंदुरुस्ती दे। उनकी बड़ी अच्छी मिमिक्री करते हैं महमूद असलम साहब, बिकॉज दे आर द पीपल जिन्होंने वाकई मीडिया बनाया है। वी आर वन ऑफ द पायनियर्स। सो आई रिक्वेस्ट यू जी, यू सी कोई गल करो ना जी। यावर साहब मुझे अपने ड्रामे में चांस देना, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। नवीश बात यह है कि यूसी चीजा जड़िया ने ना जी एक्टिंग वैक्टिंग है कोई आम बंदे का खेल नहीं है। यूसी तुम अगर मेहनत करो काम करो वाली वॉट टू यंग। राशिद महमूद साहब की भी बड़ी अच्छी नकल उतारते हैं भाई। मेरी शान तो तू जानता है ना रोमी, फिर यहाँ पे इसमें तो रोमी क्या नकल बैठी है काम वाम करूंगा इन शाला के फिर देखते के अमानुल्लाह साहब भी बैठे थे ना तो उन्होंने थोड़ी देर बैठे फिर बारिश कर। कितने पैसे दिए सीजन के? कितने पैसे मिल जाते हैं? मेरी जान ऐसी तो फिर कट पैसे लेने, बाकी जो बड़े बड़े एक्टर ने ना सिफरे लग गए ने कम तो ऐसी करने आशीष। माशाल्लाह स्टिल यंग, यू आर लुकिंग यंग है। बेजान नुमान तो सही कह रहे लेकिन ये लड़के का सेट लगा हुआ है। कैसा इनको पता है कि मैं वो जब एफसी कॉलेज में था बेसिकली मैं क्रेडिट उनको देना चाहूंगा मुईन अख्तर साहब मरहूम अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। तो ये 77-78 की बात है, तो जाहिर है जब 71 की वॉर हुई थी तो उस वक्त वो वन मैन शो किया करते थे टीवी पे और बहुत हम सारी सारी रात देखा करते थे। उनकी कुछ चीजें थी जो भी मैंने कॉपी की उनसे, तो फिर वो मैं आ गए। एक उनका जरूर चाहूंगा कि स्टेशन से गाड़ी की अनाउंसमेंट है और वो ट्रेन निकल रही है, उसकी साउंड इफेक्ट है उसका थोड़ा सा। भारत चलने वाली रेल का प्लेटफॉर्म 3 राना तमाम सब दबास प्लेटफॉर्म 3
भाई माशाल्लाह। गली में लेके बच्चे नहीं होते जो झाड़ू न कुटे ब्रेक का ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सामने जी से पूछेंगे कि हमारे मेहमानों के सितारे क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं। जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, अब ए डीजे किसी शे का मजा याद नहीं, हंसते बसते हुए मुल्कों को बनाया मक्तल, इसके पीछे है जाने किसकी रजा याद नहीं, जिनको भूले नहीं है आज तक भी ट्विन टावर्स, क्यों भला उनको फलस्तीन और गजा याद नहीं, बोलो बोलो आ 420 वाली हरकतें करते रहे जवानी में बचपन। नहीं आप जैसी कभी कोई हरकत की जी, वेलकम टू मुजाकिरात। जी सामिया जी बताइए, तलाल चौधरी साहब के सितारे क्या कह रहे हैं। तलाल चौधरी आप जानते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि तलाल बदर नाम है तो उस पर मैंने जो होमवर्क किया है, दिल बड़ा सखी है, वेरी जेनरस हार्ट, जो नफासत और बाजौक होना खवातीन की तरह इनके अंदर पाया जाता है। जैसे खवातीन अपने बारे में जरा फिनकी होती हैं सफाई सुथराई के मामले में। चौधरी साहब दूसरी की देखो सरेदर रोल की माशाल्लाह खूबसूरत तो है। ऑफर आई कोई ड्रामे ड्रामे की कभी कभी कोई ऐसा चांस नहीं मिला। कोई शादी की फिल्म में काम किया हो? जो एक शादी की है वो भी कहती है सियासत छोड़ लो शादियां दो और कर लो। तो आप उनकी ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी कर रहे? मेरा तो सियासत ज्यादा उन्होंने सौतन बर्दाश्त क्योंकि इस सौतन तो भैड़ी कोई चीज नहीं, टाइम किसी ने मिलता ही नहीं है। मिल रही है सही बात। तो क्या हमेशा से बड़ा ऑर्गेनाइज जिंदगी गुजारी है? वेरी मच चौधरी, बड़े टैटू करके रखते रहे अपनी अलमारी में कपड़े बचपन में? कोशिश करता हूँ कोई साफ सुथरा रह जाए, साफ सुथरा रोज नहाते हैं माशाल्लाह। ये सियासतदान है जो आधी रात को भी फोन करो तो के लिए घर से निकलते हैं और घर की कुंडली में उसको फंसा के जाते हैं। ये तो परसों रोंडे से मैं की होया कहना नाला घुट के बन बैठा। जी कामया जी। अच्छा जी, दूसरा ये बचपन से इनमें लीडरशिप की बड़ी क्वालिटीज होती होंगे, ये कुछ ना कुछ पंगेबाजी इनकी इनके बचपन से ही वो कहते हैं ना वो आसार नजर आने शुरू हो जाते हैं, तो इनसे पूछे कि क्या वो किस तरह जो है वो इनके अंदर ये पैदा हुई चीज, क्योंकि मुझे तो बचपन से आपके अंदर जरा सीम लगते हैं। जी कहें कुछ लेडर 420 वाली हरकतें करते रहे जवानी में बचपन में। नहीं आप जैसी कभी कोई हरकत की? अभी अभी क्योंकि शामिल जी ने कहा पंगों के हवाले से बात, तो सियासतदान बनने से पहले ज्यादा पंगे लेते थे या उसके बाद अब लेने शुरू किए हैं? तो खैर आपके पंगे तो मंजरे आम पे आ जाते हैं, टॉक शो के जरिए तो हम देखते रहते हैं। पहले तो कभी नहीं लिए, लेकिन अब मैं तो नहीं चाहता, लेकिन कोई ना कोई रोज पंगा हो जाता है। पंगा आप दावत देने ना तो इधर नहीं होना। अच्छा, इसमें तो कोई शक नहीं, मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ कि इनके साथ फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि माशाल्लाह मोहब्बत के मामले में खुद कफील आदमी है। मोहब्बत चाहे वो पेरेंट्स से मिली हो, पेरेंट्स से मिली हो, रिश्तेदारों से मिली हो, ससुराल से भी मिली हो, सहेलियों से मिली हो, सहेलियों से भी मिली हो, और खुद कफील है मोहब्बत के मामले में। वैसे सर सहेलियां हैं, बात पहले भी इन्होंने बताई है, मैं तो उस वक्त से खुशफहमी में मुबतला हूँ कि ये अल्लाह करे बाकी सच हो ना हो ये जरूर हो जाए। अच्छा, मोस्टली सियासतदानों की अरेंज मैरिज होती है? ज्यादातर शरीफ आदमियों की अरेंज मैरिज होती है।
ये तो इतने शरीफ आदमी है, भाभी के पास गया, उन्होंने कहा जी फरमाइए, कहने लगे आपके साथ शादी हुई है, उस सिलसिले में हाजिर हुए। घर का निजाम आपके कंट्रोल में है या हमारी बहन के कंट्रोल में है? मेरे वालिद साहब के। अच्छा, भाई साहब के कंट्रोल में है। तो ये तो घर रहते ही नहीं होंगे। यानी इस एमएनशिप से मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरे वालदैन हयात हैं, मेरे चचा, मेरी फुफियां, मेरे बहन और मेरे सारे कजन, वो मुझे सारे बहुत प्यार करते हैं। मैं समझता हूं कि मेरे में हर एक की कंट्रीब्यूशन है, यानी मैं बिल्कुल इस गलत फहमी में मुब्तला नहीं हूं कि ये जो आज जहां मैं बैठा हूं शायद मैं किसी अपनी वजह, इसमें इनका रोल है, हर एक का रोल है। अगर ये इनमें से कोई एक भी ना होता तो शायद मैं आज इस जगह ना बैठा। तो आप भाभी के कंट्रोल में या भाभी आपके कंट्रोल में? जी वो इनके कंट्रोल में। अच्छा, लेकिन ये खुशकिस्मत है कि नेक सिफ्त खातून मिली है जो कि इनकी मर्जी से माशाल्लाह चलती हैं, बहुत मोहब्बत करती हैं इनसे। ये शादी के मामले में कुछ वैसे है, इन्नी भी गल सच्ची नहीं जिन्नी कह रहे। सर खाने पीने का शौक है? हाउ यू कीप योरसेल्फ इंटैक्ट एंड फिट? डू यू डू एक्सरसाइज? सदाम को तो खाने पीने का शौक है, तक से लेके इटालियन तक मैं हर चीज खा लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र। बहुत सारी इटालियन सलाद सब। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। जी दीजिए। न बच पाया बाकी जो कौमी खजाना, नहीं मेरे बस में उसे भूल जाना। गवानाई बोहरा पे काबू हुआ ना, कई घंटों तक रोज बिजली का जाना, वो सर्दी में गैस का गायब हो जाना, के ईंटों के चूल्हे पे हंडिया पकाना। हाय जी, वेलकम टू मुजाकिरात। जी सामिया जी, बताइए। महमूद असलम साहब के सितारे क्या कहते हैं? बल्कि ये तो वो हमारा सितारा है जो सितारों को कहते हैं कि अब तुम इधर हो जाओ, तुम इधर हो जाओ। बल्कि ये सितारों के बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, माशाल्लाह जी, रोशन सितारे हैं इनके। एक्टिंग में तो जाहिर हम सब जानते हैं, कौन इन्हें नहीं जानता, माशाल्लाह बाकमाल है अपने काम में। म्यूजिक भी कोई कमजोरी है? म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से लगाओ, म्यूजिक से लगाओ, पूछो क्या उनकी जो है, क्या इन्हें पता है? उसके साथ म्यूजिक भी एक कमजोरी है। एक्चुअली जी, मैं स्टूडेंट था बिल्कुल क्लास 4-5 में, मुझे बैंजो बजाने का बहुत शौक था। तो वो बैंजो सीखा मैंने, वो बजाया करता था। मैंने थोड़ा सा हारमोनियम सीखा। अच्छा, हारमोनियम भी सीखा उसके बाद? उसके बाद ये कि ढोलकी बहुत अच्छी बजाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो ढोलकी ही हो जाए तो यार, शादियों पे बजाता हूँ ना यार। आज मुलाकात की रिवायत बदल, आप बजाएं हम गाते सर, कितने खुश होंगे। बहुत वाकई इनका जायचा कहता है कि माशाल्लाह एंजॉय करेंगे अपना करियर टिल दी
एंड ऑफ हिज लाइफ के मतलब उसमें कहीं ब्रेक नहीं आ रहा बल्कि बूम आता जाएगा माशाल्लाह। आप सेटिस्फाइड हैं अपने अपनी कारकर्दगी से जिस तरह चल रहा है आपका निजाम, आर यू हैप्पी विद इट? हैप्पी विद योर करतूत्स। अच्छा अच्छा, मिजाजन बड़े मुस्तकिल मिजाज, चाहे वो रिश्ते हों चाहे वो काम हो, वफादार, मोहब्बत के मामले में ये भी चौधरी साहब की तरह खुद कफील, जेन्युइन मोहब्बतें मिली और शायद शादियां एक्सीडेंटली शायद दो हो गई लेकिन दोनों के मामले में खुश किस्मत आपको दो का ही पता है। शादी रास भी बहुत है, लव मैरिज या अरेंज मैरिज है अभी? दोनों दोनों लव मैरिज। यू आर हैप्पी? आई एम वेरी हैप्पी। तो फिर दूसरी की क्यों आप समझते हैं कि मोहब्बत बार बार होनी चाहिए? डिपेंड करता है, बार बार किसी को हो जाती है किसी को नहीं होती, लेकिन होती है। मैं बताऊं आपको, कुछ लोग डर के मारे, बीवी से डर के मारे दूसरी दूसरी शो नहीं करती। तो घर में कंट्रोल आपका है या आपका कंट्रोल हमारी बात? देखिए नुमान साहब, बात यह है कि कंट्रोल, मैं समझता हूं कि शादी में कंट्रोल की बात नहीं होती। आपकी दोस्ती होनी चाहिए वी के साथ और पैरेलल आपका होना चाहिए। आपकी गलती है तो आप सॉरी कर लें, उनकी गलती है वो सॉरी कर लें। और दोनों मियां बीवी जो कहते हैं कि पहिए होते हैं वो बिल्कुल सही कहते हैं, वो पहिए ही रहने चाहिए। चौधरी साहब, आप बिलीव करते हैं कि मियां बीवी में दोस्ती होनी चाहिए या रिश्ता होना चाहिए? बिल्कुल रिश्ता होना, दोस्ती होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है थोड़ा एहतियात बरती है, इनका ख्याल है कि अगर आपकी गलती हो तो फिर माफी मांग लें, अगर उनकी गलती हो तो फिर भी आप माफी मांग लें। इन अ ट्रू सेंस मैंने महमूद साहब को अपनी बेगम की खिदमत करते हुए देखा और ये बड़ी खुश नसीब की बात है कि मैं जैसे मैं खुद अपनी बेगम की बड़ी खिदमत करता हूँ, मैं सुबह का नाश्ता उसको मैं बना के दिया करता हूँ, उसके कपड़े मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छे कपड़े इसलिए करता हूँ, पालिश वगैरह भी सब कुछ पैसे मिलते हैं एवं मतलब भाभी को काम तो लगे। आपको पता एक मजे की बात बताऊं नुमान जी, ये अमानुल्लाह साहब जी की एक और बात कि हम एक शुरू शुरू में जब मैं नया नया आया तो पहाड़ी पे हम ओपन एयर बागे जिना में एक प्ले कर रहे थे तो उस वक्त मैं हीरो था। अमानुल्लाह साहब मुझे स्टेज पे एक जुगत किया करते थे, क्या चालना तू कि सैगलांदा जो आई है, ये मुझे कहा करते थे और इन्होंने कोई 15 दिन मुझे रोज कहा और मेरे ख्याल में 17वें दिन इनको पता चला कि मेरी सैगलों की बेटी ही से बिल्कुल। इसलिए कुदरत ने आपको सैगलों का जवाब मिला। मेरा ख्याल है वो आपको तो दुआ लग गई लेकिन सैगलों को बददुआ लग गई। जी सामिया जी, जो इनकी जायचे की जो एक पंच लाइन जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है नुमान, इनके अंदर रूहानियत का बड़ा शौक और एक वो चीज जो कुछ जज्बा सा पाया जाता है जो कि एज के साथ साथ ग्रो करता जाएगा, वो यही बताएंगे कि वो क्या चीज है कि इनके इतनी स्ट्रेंथ में देख रही हूँ। जी महमूद साहब, आज यू रिलीजियस? अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग पहले संत नगर में रहा करते थे। अच्छा, मैं अराई फैमिली से बिलोंग करता हूँ और हम संतरगर में रहा करते थे। गनी मोहल्ला जो है जी जी। मेरे वाली साहब के चचा के नाम पे है तो वहाँ गनी मस्जिद उन्होंने बनाई हुई थी। ओके, तो मेरा सारा बचपन जो है क्योंकि घर के बिल्कुल साथ मस्जिद थी तो नमाजें पढ़नी, रोजे रखने, तरावियां पढ़नी, तो मस्जिद में बहुत टाइम गुजरा मेरा। खाने ज्यादा अच्छे हमने ज्यादा अच्छे आते थे, मैं इफ्तारी भी वहां करता था, खाने भी खाते थे। रूहानियत की जो आप बात कर रही है, हम अल्हम्दुलिल्लाह बाबा शाह नायत कादरी की औलाद में से डायरेक्ट लड़ी में से, तो मेरी दादी बहुत इबादत किया करती थी, मेरे वालिद साहब वालदा, तो शायद मैंने इनहेरिट किया कुछ चीजें तो आपके ब्लड में होती है। यहां पे मैं बताना चलूं 28 जुलाई के प्रोग्राम के विनर का नाम, उनका नाम है आसिया गुलजार और उनका ताल्लुक है लाहौर से। आसिया मेरी बहन, आपको मुबारक हो रोड प्रिंट्स की मोटरसाइकिल जी।
तलाल चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच, इतनी मसरूफियत में से आपने वक्त निकाला। महमूद असलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कराची से स्पेशली मुज़ाकरात के लिए तशरीफ लाए। प्रोग्राम के एंड में सर हमारे जो डीजे डार्लिंग है वो जो कौम के दिल की आवाज होती है एक पैरोडी सॉन्ग के जरिए वो पेश करते हैं, अगर आपकी दोनों की इजाजत। जी डीजे मुश्किल हो गया बचना। खुशहाली दे लारे नारे हुण किथे गए सारे नारे, खुशहाली दे ओ सब लारे हुण किथे गए ने ओ सारे, नवे से आपे बह गए ते ठंडे होके बह गए, वैन सितेरा ए हनेरा छेती छेती कटना। मुश्किल 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 हो गया बचना। लो मुश्किल 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 हो गया बचना। रात खाली है तेरे सुर में आंचल की तरह। चंद साहब कैसा लग रहा है? चंद चंद के सामने आ गया। मुझे आज पता चला मेरा जेवर किधर गया, वो देखे। किसके हाथ का बना हुआ खाना पसंद है सर, घर वाली या बाहर वाली? बाहर वाली ने कभी खिलाया नहीं, घर वाली ठीक है। लोकी वैसे सियासत ली खून दिंदे ने, तुसी वाल दिते।